ओ भाई साहब लिटरली गाइज यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया वो भी अभी ही अभी तो पूरी रात बाकी है पूरा शाम बाकी है हेलो गाइज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका भाई साहब गदर पार्ट टू के अपडेटेड एडवांस बुकिंग के एपिसोड में देखो भाई सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने दोपहर को भी देने की बात की थी लेकिन मैं रजनीकांत साहब की मूवी जेलर देखने गया था जिसके बाद दोस्तों उसका रिव्यू दिया तो टाइम मिला नहीं लेकिन गाइज यहाँ पे देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए दोस्तों अब आप लोग ये बात समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर वाली दोस्तों जो ओपनिंग है वो लेने वाली है और ये भी गाइज़ मैं आपको बैठ के बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से जिस तरीके से गाइज़ की ओपनिंग हो रही है यहाँ से ये मूवी फ्लॉप नहीं होगी भाई नहीं होगी दोस्तों फ्लॉप हिट की गारंटी समझो क्योंकि मूवी का बजट ज़्यादा नहीं है ये मूवी अपने शुरुआत के दो दिनों में दोस्तों बजट निकालने वाली है तो कहीं ना कहीं ये मूवी लिटरली गाइस अभी तक जिस तरीके की एडवांस की है ये ज़बरदस्त है बेहतरीन है लाजवाब है वही यहाँ पे दोस्तों अक्षय कुमार का क्या हाल है काफ़ी सारे लोग ओ पार्ट टू की भी बातचीत पूछ रहे हैं कहाँ तक गाड़ी पहुंची देखेंगे भाई एडवांस बुकिंग उसकी कहाँ तक हुई है उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लेट स्टार्ट दोस्तों यहाँ पे गदर पार्ट टू का हाल चाल देखें एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंची टिकट कितने सोल्ड आउट हुए उससे पहले देख लेते हैं कि गाइज यहाँ पे अक्षय कुमार पाजी का क्या हाल चाल है क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग की और सबसे बुरा तो ये हुआ कि गदर पार्ट टू के साथ प्लानिंग की अगर आप एक हफ्ते पहले या फिर बाद में आते तो मे भी दोस्तों ये जो अभी एडवांस बुकिंग हुई है ये डबल होती हकीकत होती क्योंकि मूवी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर है तो मुझे लगता है कि दोस्तों इसके ऊपर बातचीत होती है अभी गदर के साथ रिलीज़ होने के बाद ये मूवी दब सी रही है पहले ही दब रही है जब रिलीज़ होगी तब क्या होगा हालांकि काफ़ी सारे फैंस को उम्मीद है कि ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा होगा एडवांस नहीं लेकिन कंटेंट इसका बोलेगा देख लेते हैं भाई साहब देख लेते हैं क्या होता है लेकिन अभी एडवांस बुकिंग के दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि गाड़ी कोई खासा कमाल नहीं है हालांकि दो करोड़ से ऊपर कहानी इसकी पहुंच गई आप लोग कह सकते हो कि सेवेंटी थाउजेंड टिकट दोस्तों सोल्ड आउट हो गए नेशनल चैन में नहीं सारे थिएटर मिला के अगर बात किया है दोस्तों यहां पे एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा जब मैं ये चेक कर रहा हूं तो आप लोग कह सकते हो कि दो करोड़ पंद्रह लाख रुपए करोड़ रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है तो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम इसका गाइस तीन करोड़ भी जाना मुश्किल लग रहा है मुझे तो इस एडवांस बुकिंग से ये मे बी दोस्तों आठ या दस करोड़ के बीच में कुछ कर सकती है लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है रात को दोस्तों हमारा फाइनल वीडियो आएगा दस बजे गदर का भी और इसका भी तो दोनों की बात करेंगे रात को मिलना ज़रूर बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि गदर पार्ट टू का क्या हाल चाल है मेरा प्रिडिक्शन था लाइफ टाइम का बारह करोड़ बारह करोड़ इसको एडवांस बुकिंग में करना ही करना है लेकिन दोस्तों मेरे प्रिडिक्शन से तो ये बहुत आगे निकल गई और जो ट्रेड पंडित बात कह रहे थे कि पंद्रह करोड़ अठारह करोड़ बीस करोड़ ये इससे ऊपर ही जाएगा यानी कि पंद्रह करोड़ से तो ऊपर होगा ही होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों ट्रेड पंडितों की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है और ये जो मूवी है ये अभी ही जब मैं ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ आप लोग कह सकते हो शूट जब मैं कर रहा हूँ तो साढ़े चार पांच बज रहे हैं आप तक कब पहुँचेगा पता नहीं लेकिन अभी कह सकते हैं कि गाइस पूरा शाम बचा है पूरी रात बची है तो ये एडवांस बुकिंग कहाँ तक तो पहुँचेगी देखना काफी दिलचस्प होगा लेकिन अभी दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग 12 करोड़ से ऊपर जा चुकी है जिया गाइस बारह करोड़ से ऊपर इसकी एडवांस बुकिंग जा चुकी है सुबह तो हमने समथिंग आप लोग कह सकते हो कि 10 करोड़ की बात की थी 10 करोड़ सुबह नौ बजे दोस्तों मैंने जो रिपोर्ट दिए थे तो बहुत ज्यादा तेजी से दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग आज की जाएगी मैंने कहा था हो सकता है कि आज ही के आज ये पांच करोड़ भी कर सकती है मे बी दोस्तों ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे बात करते हैं दोस्तों टिकट कितने सोल्ड आउट हुए क्या पांच लाख टिकट सोल्ड आउट हुए तो आप लोग कह सकते हो कि होने वाला है बस होने वाला है गाइस जब मैं ये चेक कर रहा हूं तो आप लोग कह सकते हो कि चार लाख छियासी हजार फोर पॉइंट एट सिक्स लैख रुपीज की एडवांस बुकिंग हो गई है दोस्तों ये अपडेटेड एडवांस बुकिंग है अभी अगला दोस्तों जो हमारा वीडियो आएगा उसमें ये पांच क्या मे दोस्तों लाख एडवांस बुकिंग भी कर मतलब टिकट सोल्ड आउट भी करवा ले आप लोग बोलोगे कि यार टिकट सोल्ड आउट तो ठीक ये बताओ कि एडवांस बुकिंग से हाथ क्या लगा देखो भाई ये जो मूवी है लिटरली गाइज काफी ताबड़ तोड़ के एडवांस बुकिंग इसकी हो रही है और यहां सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसको एक वर्जन में रिलीज किया जा रहा है यानी टू डी कोई आई वर्जन नहीं है कोई फोर वर्जन नहीं है कोई यहां पे दोस्तों थ्री वर्जन नहीं है लेकिन फिर भी इस तरीके का कमाल अगर इस मूवी को थ्री में रिलीज किया जाता तो आप लोग सोचो कैसा होता और अगर जेलर मूवी रिलीज नहीं होती ओ रिलीज नहीं होती यानी कि इसको शोज ज्यादा मिलते फिर दोस्तों ये कैसी कयामत ढाती आप लोग कह सकते हो कि अभी इसकी एडवांस बुकिंग से गाड़ी यानी कि एडवांस बुकिंग की जो कलेक्शन है बारह करोड़ पैंतालीस लाख रुपए हो चुका है गाइस बारह करोड़ पैंतालीस लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है ये अपडेटेड एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है मे भी दोस्तों शायद अभी आप लोग जब चेक करो तो ये बढ़ गया हो लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ये एडवांस बुकिंग अब पंद्रह करोड़ करने वाली है दोस्तों पंद्रह नहीं तो चौदह करोड़ तो दोस्तों ये करेगी ही करेगी और शायद सुबह तक दोस्तों ये पंद्रह करोड़ भी कर ले यानी कि अभी इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे मे भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द मिलूँ लेकिन लास्ट वो एपिसोड होगा आज का एक एपिसोड कल सुबह भी आएगा क्योंकि रात को भी तो बुकिंग होती है भाई तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि बारह करोड़ चालीस पैंतालीस लाख रुपये तक किसकी गाड़ी पहुंच चुकी है बात करते हैं दोस्तों शोज बढ़े या नहीं भाई मुझे दिल्ली में हजार शो चाहिए था मैंने आपको क्या कहा था कि कल तक शायद 900 मिल जाए और गाइस दिल्ली में इसके 910 सौ शोज खोल दिए गए हैं जिसमें से साढ़े तीन शो हाउसफुल है खचाखच और 190 फीलिंग फास्ट पहले से ही 40 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी मुंबई में दोस्तों साढ़े सात शो, शो देखो मुंबई में भी दोस्तों साढ़े आठ सौ तक जाएंगे अभी रुको ज़रा सब्र करो और दिल्ली में हज़ार तो चाहिए ही दोस्तों पुणे में 280 सौ अस्सी शोज़ बेंगलुरु में 170 सौ शोज़ हैदराबाद में एक कोलकाता में 170 सौ शोज़ अहमदाबाद चार शोज़ चेन्नई में सिर्फ सेवन शोज़ क्योंकि जेलें लगी हुई है सूरत में तीन सौ शोज जयपुर में देखो भाई फिफ्टी फाइव परसेंट की ऑक्युपेंसी है लिटरली गाइस एक सौ सत्तर शोज़ में से नब्बे हाउसफुल हैं चंडीगढ़ वन ट्वेंटी सेवन शोज़ भोपाल सेवेंटी फाइव शोज थर्टी परसेंट की ऑक्युपेंसी लखनऊ वन एटी फाइव शोज़ तो गाइज़ इस तरीके के कुछ इसके पास शोज़ हैं आप लोग बोलोगे कि वो सब बात तो ठीक यार ये कमा कितना आ सकती है क्या आ सकते हैं आंकड़े देखो भाई ये मूवी ईजिली ये जो मूवी है गाइज ईजिली मुझे लगता है कि अभी जितना एडवांस देख रहा हूँ मैं चालीस करोड़ के दोस्तों पिटिशन लगा सकता हूँ हाँ अगर ऐसे ऐसे लोग आ जाए जो थिएटर तक जाते ही नहीं है यानी कि उन उन लोगों ने मूवी नहीं देखी लेकिन गदर पार्ट टू आ रही है इसलिए जा रहे हैं यानी कि वॉक करके दोस्तों जो टिकट काउंटर से टिकट कटवा के देखेंगे वो गाइज यहाँ पे इसको 50 करोड़ तक लेके जा सकते हैं लेकिन अभी के हिसाब से 40 करोड़ आ रहा है देखो भाई 40 करोड़ कोई कम नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे कोई हॉलीडे नहीं है आ, वैसे यहाँ पे कहने को तो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड है लेकिन दोस्तों छुट्टी तो नहीं है ना कोई अगर बात की जाए सेकंड डे कितना आ सकता है पैंतालीस करोड़ आप लोग मान लो मूवी का बजट कितना है अस्सी से सौ करोड़ यानी कि दो दिन में ही बजट अंदर फिर संडे से मुनाफा यानी कि मूवी दोस्तों ये आ, मुझे लगता है कि फ्लॉप तो नामुमकिन है इसका होना काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आदि पुरुष वाला हाल होगा देख लेते हैं भाई क्या होता है आदि पुरुष वाला हाल भाई आदि पुरुष का बजट सात सौ करोड़ था तो गाइस क्या कहना है बताओ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही